हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसाला पूरी बनाएंगे और इसके साथ खाई जाने वाली आलू की रसेदार सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, उसमें डालेंगे एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच ही हम साबुत धनिया डालेंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, एक चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे, एक चम्मच पुदीना पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक डालेंगे और एक चम्मच काला नमक डालेंगे और ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी। और अब हम इसे बारीक ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने ये 2 कप के करीब आटा लिया है। अब इसे हम बड़े बर्तन में डालेंगे और इसमें डालेंगे हमारी ग्राइंड किया हुआ मसाला और मसाले को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम मोयन के लिए इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तो तेल हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और ये मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तो देखिए, मैं आटे में अच्छी तरह से मसाले को और मूंगफली के तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से हमें मिक्स करना है जिससे आटे में मसालों और तेल का स्वाद अच्छी तरह से चला जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। तो इसका आटा हमें सख्ती लगाना है। तो देखिए, मैं वही पानी डाल रही हूँ जहाँ पर मुझे सूखा आटा दिख रहा है। तो इस तरह से क्या हमारा आटा गीला नहीं होगा और हमारा आटा सख्ती लगेगा। तो देखिए, मैंने आटा लगा लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं और आटा मैंने सख्ती लगाया है और इसके आगे की तैयारी करते हैं। तो अब ये मैंने लिया है उबली हुई मूंग की दाल। पहले मैंने इसे भिगोया है और बाद में इसे उबाला है। तो हम इसे मिक्सर में डालेंगे क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। और 2 डालेंगे हम हरी मिर्ची और थोड़े से हम करी पत्ते डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसे बारीक ग्राइंड करेंगे। हमें इसे मोटा ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसे बारीक ग्राइंड ही करना है। तो देखिए, मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने इसे बारीक ग्राइंड किया है। आप इसे पानी डालकर ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन पानी ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। ये मसाला पूरी आप बिना सब्जी के भी खाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने बाउल में दाल को निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही हम इसमें काला नमक लेंगे, दोनों तरह के नमक लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो मैंने मसाले में दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारे आटे को एक बार फिर मस लेंगे जिससे ये थोड़ा चिकना हो जाए और हमारी पूड़ियाँ सॉफ्ट बने। तो मैं हाथों से आटे को अच्छी तरह से मसल रही हूँ। अब इसमें से एक हम बड़ी लोई लेंगे और बड़ी लोई लेते हुए हम उसकी छोटी लोइयाँ काटेंगे। तो देखिए, मैंने लोई ले ली है, इसी में से हम छोटी छोटी लोइयां और तैयार करेंगे। तो ऐसे करने से क्या है, पूड़ियां बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो देखिए, मैंने सारी लोइयां काट ली हैं। इसमें से हम एक लोई लेंगे, उसे गोल गोल घुमाएंगे और उसे हम पूड़ी की शेप देंगे। पूड़ी के ऊपर लगाएंगे हमारा बनाया हुआ मसाला।
तो थोड़ा मसाला लेंगे और चम्मच से या हाथ से किसी से भी हम मसाले को स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से चारों ओर स्प्रेड किया है। अब एक के ऊपर एक प्लेट लेते हुए हम इस पूरी को ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करते हुए थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसे बेलेंगे और फिर हम इसे पूरी की शेप देंगे। तो देखिए एक मैंने बना ली है, इसी तरह से हम सारी बनाते चले जाएंगे। तो दूसरी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इसमें मसाला मैंने लगा लिया है, अब एक के ऊपर एक प्लेट देंगे और इसे बंद कर लेंगे और सूखा आटा लगाते हुए हम इसे बेलेंगे। आप यदि सफर में जा रहे हो तो इन पूरियों को लेकर जाएं, तो ये पूरियां दो दिन तक खराब नहीं होगी और इनमें मसाला होने के कारण इसे बिना सब्जी के भी आप खा सकते हैं। तो मैंने सारी पूरियां बनाकर तैयार कर ली हैं और तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करते हुए हम सारी पूरियों को फ्राई करेंगे। अब ये मैं बिना मसाले की पूरी बना रही हूँ क्योंकि हमारे आटे में मसाला तो डाला हुआ था, तो मैंने दो तीन पूरी बिना दाल के मसाले की भी बनाई है। तो देखिए ये सारी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब तेल हमारा गर्म है, अब हम इसमें हमारी पूरी को डालेंगे और पूरी को डालते हुए हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे जिससे हमारी पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो और थोड़ी फूले। तो देखिए मैं तेल डाल रही हूँ, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे मटरी हम फ्राई करते हैं उसी तरह से हम इसे फ्राई करनी है, तो इसका स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे हल्का फ्राई हमें नहीं करना है, इन पूरियों को हमें डार्क ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है जिससे ये मटरी से भी स्वाद लगेगी। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा दबाया है और दूसरी पूरी भी मैंने इसी तरह से बना ली है। अब एक पूरी और ली है, उसको भी मैंने डाला है और उसके ऊपर मैं तेल डाल रही हूँ जिससे ये अच्छी तरह फूले। तो देखिए ये मैंने सादा पूरी बनाई है लेकिन इसमें मसाला है, इस कारण से ये पूरी भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए आज खाई जाने वाली आलू की सब्जी तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, करी पत्ते डालेंगे, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, सारी मसाले हम डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसे जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। तो देखिए मैंने मसालों को लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब इसमें हम डालेंगे मलाई वाला दही, तो 2 चम्मच मैंने मलाई वाला दही डाला है। दही डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, तो हम दही डालकर हम इसे और मिक्स करेंगे। देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है और इसे मैंने बराबर चलाया है। अब हम उबले हुए आलू डालेंगे, तो मैंने हाथ से ही उबले हुए आलू तोड़कर डाल रही हूँ क्योंकि इसके कुछ पीस हमें छोटे चाहिए, कुछ हमें बड़े चाहिए, तो वो हाथ से तोड़कर डालने में ही बनेंगे। तो देखिए मैंने 4-5 उबले हुए आलू डाले हैं और आलू डालने के बाद में हम इसे 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे जिससे मसालों का स्वाद आलू में अच्छी तरह से चल जाए। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे भुना है। अब इसमें हम
स्वाद अनुसार पानी डालेंगे, तो पानी इतना डालेंगे कि भाई पानी डालने के बाद में देखिए ये सब्जी बिल्कुल झोल वाली बन गई है। तो हमें ऐसी ही सब्जी चाहिए। और अब हमारी पूड़ियाँ और सब्जी दोनों तैयार हैं, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मसालेदार पूड़ियाँ और सब्जी। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने बिना मसालों से बनाई है, तो ये पूड़ियाँ भी तैयार हैं, लेकिन इसमें भी मसाला है, तो ये भी ऐसे ही बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।